हेलो बच्चों वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विकेगर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 100 के सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर लॉज ऑफ मोशन फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय द पब्लिकेशन एमटीजी आई होप कि आपने पहले के भी तीनों पार्ट्स जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर वन टू सेवनटी फाइव के सोल्यूशन डिस्कस किए थे वो आपने देखे हो अगर आपने नहीं देखे हैं तो फटाफट से आप हमारी फिंगर टिप्स जो प्ले है उसे ओपन करिए और उसमें बाकी सभी चैप्टर्स के भी सोल्यूशन देख सकते हैं ओके बच्चों तो अस स्टार्ट द डिस्कशन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स अ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन रफ होरिजोटल टर्न टेबल जस्ट स्लिप वेन इट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस फोर सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन ये हमारे पास सर्कुलर मोशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों ध्यान से देखिए यहां पर एक टर्न टेबल है ये हमने इस तरीके से एक टर्न टेबल बना लिया है कुछ इस तरीके से मान लेते हैं ये इस के अबाउट घूम रहा है अगर ये ऐसे उमेगा से घूमेगा यहां एक ब्लॉक पड़ा है बच्चों ब्लॉक इज जस्ट स्लिप

इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन अपोज करता है बच्चों फ्रिक्शन अब जस्ट स्लिप की कंडीशन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू म्यू एम जी क्योंकि टेबल पे पड़ा है तो एनआर किसके बराबर होगा एनजी के बराबर सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल इज डबल द ऑब्जेक्ट स्लिप व्हेन इट इज एट डिस्टेंस अब अगर आप देखें हमने ये कार्ड दिया बेटा ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू म्यूजी है अब अगर मैं सेकेंड सिचुएशन में देखूं, सिचुएशन सिचुएशन में, ये फर्स्ट सिचुएशन थी, सेकंड में हमने एंगुलर वेलोसिटी को क्या कर दिया बच्चों डबल कर दिया और हमसे पूछा गया डिस्टेंस एट विच इट जस्ट स्लिप अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें तो राइट हैंड साइड इक्वेट कर देंगे तो क्या आएगा 2 ओमेगा का स्क्वायर आर डैश इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर यहां से आप देख सकते हैं 4 ओमेगा स्क्वायर आर डैश इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर ये कट जाएगा तो आर डैश इज इक्वल टू आर बाय तो हमारे पास कितना डिस्टेंस आएगा पहले आर कितना था 4 सेंटीमीटर बाद में ये क्या होना चाहिए वन सेंटीमीटर यहां पर हो जाना चाहिए ओके okay, बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन क्या कहता है पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस टेन मीटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स स्पीड इट्स स्पीड इज फाइव मीटर पर सेकेंड एंड इज इंक्रीजिंग एट द रेट स्पीड हमारे पास कितनी गिवन है फाइव मीटर पर सेकेंड एंड इट इज इंक्रीजिंग जो रेट चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है बच्चों रेट चेंज ऑफ स्पीड होता है टेंजेंशियल एक्सलेशन वो कितना दे रखा है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सलेशन अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है टेन ये आ जाएगा टू पॉइंट तो नेट एक्सलेशन क्या होता है बच्चों रूट ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर ए है टू का स्क्वायर प्लस टू पॉइंट फाइव का स्क्वायर अगर आप देखें ये फोर और ये सिक्स पॉइंट टू फाइव तो ये हो जाएगा टेन पॉइंट टू फाइव तो टेन पॉइंट टू फाइव थ्री से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए तो थ्री पॉइंट टू अगर आप ऑप्शन में देखें फाइव टू फोर तो अगर टेन पॉइंट टू फाइव है तो ये थ्री से हल्का सा बड़ा होगा तो आप लिख सकते हैं थ्री पॉइंट टू आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर सेवनटी एट बच्चों सेवनटी एट कैसे करेंगे इन द क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल पार्टिकल के ऊपर तो दो एक्सेलरेशन है एक सेंट्रीपिटल एक सेंट्रीपिटल एक टेंजेंशियल तो फोर्स भी दो होनी चाहिए थी एक तो होनी चाहिए थी टेंजेंशियल फोर्स एम ए टी और एक होनी चाहिए थी सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर और आप उसे एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिखते हैं अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगती है टुवर्ड द रेडियस तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं टूवर्ड द रेडियस को एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। क्योंकि जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है बच्चों तो रेडियस वेक्टर होता है बाहर की तरफ और सेंट्रिपल फोर्स होती है अंदर की तरफ इस वजह से यहां पर क्या लगा है माइनस आर वेक्टर। ओके बच्चों, माइनस साइन डायरेक्शन के लिए है मैग्नीट्यूड एम ओमेगा स्क्वायर आर तो अगर आप इनमें से देखें तो हमारे पास कौन सी फोर्स लग रही है बी रेडियस की डायरेक्शन में तो सिर्फ एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीपिटल लग रही है दूसरी लगेगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में वैसा कुछ यहां पर ऑप्शन में नहीं दिया तो हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बेटर ऑप्शन हो जाएगा वैसे अगर मैं कहूं तो ये भी हमारे पास लास्ट वीडियो में दो तीन क्वेश्चन इनकरेक्ट थे ये भी एक तरह का इनकरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज एक्टिंग इसने बुझा फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बट ऑप्शन के हिसाब से अगर मार्क करना होता तो मैं बी ऑप्शन मार्क कर दूंगा बट ये एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं है ओके क्वेश्चन सेवनटी नाइन क्वेश्चन नंबर सेवनटी नाइन आपको क्या कहता है बच्चों कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज दिस मैक्सिमम स्पीड विद विच बेटा जो फ्रिक्शन है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द रोटेशन तो जब स्पीड मैक्सिमम होगी तो सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है बेटा होरिजोनटल सर्फेस पे म्यू एम जी होरिजोनटल सर्फेस पे क्या होती है म्यू एम जी बिकॉज एनआर किसके बराबर होता है एम जी के एम से एम कट जाएगा तो मैक्सिमम स्पीड क्या आएगी मैक्सिमम स्पीड हमारे पास होनी चाहिए रूट आर जी वैल्यू जीरो पॉइंट वन आर की वैल्यू बच्चों 3 और जी की वैल्यू 10. तो इट बिकम्स रूट थ्री मीटर पर सेकेंड तो आंसर बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो उम्मीद है अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन देखे हैं सोल्यूशन वो आपको समझ में आए हो बट फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है वहां ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर एट्टी अ स्टोन ऑफ मास फाइव के जी ज टाइड टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज वेल्ड राउंड इनिजोन सर्कल वॉट इज स्पीड विद विच स्टोन कैन रोटेट इन वर्टिकल सर्कल अगर आप ध्यान से देखें अगर एक सर्कल में घूम रहा है कौन से में होरिजोंटल सर्कल में तो टेंशन क्या प्रोवाइड करती है बच्चों सेंट्रीपल फोर्स या फिर टेंशन क्या अपोज करती है सेंट्रीप्यूगल फोर्स अगर आप इसके रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाएंगे अगर आप पार्टिकल के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाएंगे तो यहां सेंट्री लगेगी और यहाँ क्या लगेगी टेंशन ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू स्टोन ही एफ बी डी बन गई है तो ये किसके बराबर होगी बच्चों टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर अब मैक्सिमम अगर हमें स्पीड देखनी है मैक्सिमम स्पीड तो टेंशन भी क्या हो जाएगी मैक्सिमम और मैक्सिमम टेंशन कितनी है 200 मास कितना है 5. ये हमें मैक्सिमम फाइंड करनी है रेडियस कितना है टेन अगर आप देखें ये फोर्टी फोर हंड्रेड का रूट दिस बिकम्स मैक्सिमम स्पीड तो कितना हो फोर हंड्रेड का रूट बच्चों ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड शुड बी द आंसर फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ द स्टोन ओके मूविंग टूअर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर एट्टी वन क्या कहता है ध्यान से देखिए डिस्क रिवॉल्व विद द स्पीड दिस हैज अ रेडियस दिस टू क्वाइंस आर प्लेस एट दिस इन दिस अवे फ्रॉम द डिस्क कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन द क्वाइन विल रिवॉल्व विद द डिस्क अगर आप ध्यान से देखें ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया जैसा हमने इस वीडियो की शुरुआत में देखा था क्वेश्चन नंबर 51 ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्क है ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल डिस्क है बच्चों इसके अबाउट So, इसके ऊपर ये सॉरी एक्सेस के बारे घूम रही है इसके ऊपर कोई पॉइंट क्या रखा गया है क्वाइन रखा गया है इसके ऊपर रखा गया ये साथ में कब चलेगा जब इस क्वाइन के ऊपर सेंट्री फ्यूगल फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी तो क्वाइन रिवॉल्व विद डेस्क हो जाएगा जो क्वाइन है जो फ्रिक्शन है वो इसे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे पाएगी तो ये डिस्क के साथ घूमता रहेगा बट अगर हमारे पास जो सेंट्री फ्यूगल फोर्स होगी विद रिस्पेक्ट टू जब हम क्वाइन के साथ एफबीडी बनाएंगे तो क्वाइन क्या करेगा बेटा स्लिप ऑफ द डिस्क हो जाएगा डिस्क से स्लिप ऑफ होके गिर जाएगा ओके okay? तो हमें सिर्फ यही चेक करना है कि सेंट्री फ्यूगल फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है या बराबर तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है किसी भी क्वाइन के ऊपर ये होगी म्यू एम जी म्यू कितना है जीरो पॉइंट वन फाइव एम जी ये हमारे पास क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन है आप इसे वन पॉइंट फाइव एम लिख सकते हैं हमें मास ऑफ क्वाइन नहीं पता अब हमें सेंट्रिक फ्यूगल फोर्स देखनी है उसके लिए उमेगा क्या गेवन है थर्टी थ्री वन बाई थ्री रेवल्यूशन पर मिनट आपको इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये हो गया हंड्रेड बाय थ्री रेवोल्यूशन पर मिनट इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं टू पाई एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं सिक्सटी तो ये कट जाएगा एक जीरो भी कट गया ये आएगा टेन पाई बाय नाइन रेडियन पर सेकंड अब अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ए देखूं ए ब्लॉक पे ऑन ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी एम ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर हंड्रेड बाय एट्टी वन पाई स्क्वायर और रेडियस कितना है बच्चों ए कितने डिस्टेंस पे पड़ा है फोर सेंटीमीटर के ऊपर तो इंटू टेन टू पर माइनस टू अब अगर आप ध्यान से देखें ये कट जाएगा ऊपर क्या बचेगा अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं फोर्टी और नीचे एट्टी वन को नियरली क्या लिख सकते हैं एट्टी तो ये हमारे पास किसके बराबर बचा जीरो देख सकते हैं फ्रिक्शन कितना था वन पॉइंट फाइव है दिस इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन तो इसका मतलब ए रिवॉल्व विद बेटा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो ए जो है क्वाइन ए वो साथ में रिवॉल्व करेगा बच्चों ओके तो वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर करें अगर हम देखें बी पे बी पे बी पे एफ सी एफ क्या होगा वही एम ओमेगा स्क्वायर आर बी बाकी सब तो सेम है हंड्रेड पाई स्क्वायर बाई एट्टी वन बी कितना है फोर्टीन इंटू टेन डेज टू पर माइनस टू ये कट गया यहां अप्रोक्सीमेटली ये बच गया वन फोर्टी बाई एट्टी आप इसे काट दीजिए सात बाय चार सेवन बाय फोर दिस इज वन पॉइंट सेवन फाइव एम और ये हमारे पास एपल से ज्यादा है तो इसका मतलब जो है बी क्या करेगा स्लिप करेगा तो कौन सा साथ में रिवॉल्व करेगा बच्चों विच क्वाइन विल रिवॉल्व डिस्क ओनली ए क्वाइन विल रिवॉल्व विद द डिस्क क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा था सिर्फ यही तो बताना है कौन सा रिवॉल्व करेगा छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है बट ये छोटा सा क्वेश्चन है नहीं है ओके मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है बच्चों? देखिए अ सर्कुलर ट्रैक क्वेश्चन नंबर 82 देखिए अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस दिस इज बैंक एट एन एंगल फॉर 15 डिग्री कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील ऑफ द रेस एंड द रोड ऑप्टिमम स्पीड टू अवॉइड वेयर एंड टीयर, टू अवॉइड वेयर एंड टीयर मींस विदाउट फ्रिक्शन विदाउट यूजिंग फ्रिक्शन मैं फ्रिक्शन को नहीं यूज कर रहा क्योंकि फ्रिक्शन से ही तो वियर एंड टीयर होता है बच्चों तो फ्रिक्शन को हम यूज नहीं कर रहे हैं उस केस में स्पीड का फॉर्मूला क्या था आर जी टेन थीटा आर की वैल्यू 300 g की वैल्यू 10 टेन थीटा पॉइंट टू सेवन अगर आप ध्यान से देखें तो 27 सेवन इंटू ये हमारे पास 81 हो जाएगा 81 वन इंटू बच गया बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया दो जीरो एडजस्ट हो गई तो 81 वन का बाहर आ जाएगा नाइन अंदर बचेगा टेन मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है कहता है इन द क्वेश्चन नंबर 82 टू मैक्सिम परमिशिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग अब फ्रिक्शन को यूज करेंगे फ्रिक्शन को जब यूज करते हैं तो मैक्सिमम स्पीड क्या होती है बच्चों आर जी म्यू प्लस टेन थी डिवाइड बाय वन माइनस म्यू टेन थिटा ये होती है मैक्सिमम स्पीड अब हमें इसमें वैल्यूज पुट करने आर कितना है बच्चों थ्री हंड्रेड जी कितना है टेन म्यू कितना है म्यू हमें दिया था जीरो पॉइंट टू तो यहां आएगा जीरो पॉइंट टू यहां जीरो पॉइंट टू सेवन ये हो गया वन माइनस जीरो पॉइंट टू इंटू जीरो पॉइंट टू सेवन अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 3000 ये हो गया 0.47 ये हो गया 1 माइनस जीरो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन डेसिमल आने थे 2 इंटू सेवन ट्वेंटी सेवन बट पॉइंट डेसिमल के बाद तीन डिजिट तो ये अप्रोक्सीमेटली वन ही हो गया है ये अप्रोक्सीमेटली वन हो गया है इसको अप्रोक्सीमेटली पॉइंट मान सकते हैं तो ये .5 से करेंगे तो ये पंद्रह सो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली बच्चों वहां पर आप क्या कर सकते हैं टेन रूट फिफ्टीन और फिफ्टीन हो जाएगा नियरली फोर तो ये 40 से थोड़ा सा कम होगा फोर्टी से थोड़ा सा कम आप देख सकते हैं थर्टी एट पॉइंट सिक्स शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके हल्का सा फोर्टी से कम तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आपको पूरा Exactly सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती जब आपके पास इतनी सुंदर सुंदर ऑप्शन करने से पहले बच्चों फटाफट से लाइक like बटन दबा दीजिए लाइक like बटन बेटा फटाफट से आपको दिख रहा होगा लाइक like बटन जरूर दबाएं देखिए मैं देख रहा हूं बच्चे काफी सारी वीडियोस देख रहे हैं बट लाइक करने में कंजूसी करते हैं क्यों करते हो यार इतनी कंजूसी दिल खोल के लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करो एंड एयरक्राफ्ट एक्सिक्यूट हॉरिजॉन्टल लूप एट स्पीड दिस इट्स विंग्स बैंक डेट व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लूप ध्यान से देखिए एक एयरक्राफ्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है सर्कुलर लूप में होरिजोंटल लूप है हवा में होरिजोनटल लूप में घूम रहा है अब अगर आप इस एयरक्राफ्ट को देखें तो ये कह रहा है इसके जो विंग्स हैं वो 15 डिग्री के ऊपर बैंड है ये एयरक्राफ्ट है सैटेलाइट जैसा बन गया ये है ना साइड से देखेंगे तो इसके जो विंग्स हैं वो 15 डिग्री के ऊपर बैंड है हॉरिजॉन्टल के साथ अब एयरक्राफ्ट के ऊपर फोर्स कौन सी लगेगी नीचे की तरफ एम मैं विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट देख रहा हूं तो इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बॉइंट फोर्स ये एयरक्राफ्ट क्यों उड़ता है बॉयंट फोर्स कह लो या फिर थ्रस्ट फोर्स कह लो थ्रस्ट जो हमारे पास एयरक्राफ्ट क्यों उड़ता है बेटा आपको पता है फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास जो नीचे की एयर होती है और ऊपर की एयर की वेलोसिटी के डिफरेंस की वजह से एयर इसके विंग्स के ऊपर एक थ्रस्ट लगाती है उस थ्रस्ट की वजह से ये एयरक्राफ्ट उड़ता है तो वो थ्रस्ट इन विंग्स के परपेंडिकुलर लगेगी तो इस तरफ लगेगी बेटा अब अगर आप देखें ये हमारे पास नाइन्टी डिग्री था इधर से ये नाइन्टी था तो ये नाइन्टी माइनस फिफ्टीन था तो ये हमारे पास फिफ्टीन बच गया बेटा तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा एफ कॉस फिफ्टीन और कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन फिफ्टीन तो एफ साइन फिफ्टीन किसके बराबर हुआ बच्चों एम वी स्क्वायर बाय आर और एफ कॉस फिफ्टीन किसके बराबर हुआ बच्चों एम जी डिवाइड कर दीजिए दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास डिवाइड करने पे क्या होगा बच्चों टेन फिफ्टीन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी एम से एम कट जाएगा एफ सी एफ कट जाएगा अब हमें क्या निकालना था हमें निकालना था रेडियस तो रेडियस को इधर रखते हैं ये वी स्क्वायर बाय जी टेन फिफ्टीन आ गया वी स्क्वायर वी कितना है सेवन ट्वेंटी किलोमीटर पर आर थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर होता है टेन मीटर पर सेकेंड तो ये हो गया दो सौ मीटर पर सेकेंड कन्वर्जन आपको याद होगी थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आर 10 72 पर मीटर सेवन ट्वेंटी कितना हो जाएगा दो तो टू हंड्रेड इंटू टू हंड्रेड जी है टेन टेन फिफ्टीन अगेन वही पॉइंट टू सेवन पॉइंट टू सेवन ये कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा फोर और ये जीरो 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 पॉइंट टू सेवन कुछ है इस तरीके का बचेगा बेटा अब अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आएगा फोर बाय जीरो पॉइंट टू सेवन किलोमीटर अब अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो ऑप्शन काफी दूर दूर है ऑप्शन काफी दूर दूर है तो मैं इसे अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व कर सकता हूं जीरो पॉइंट थ्री किलोमीटर से थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि हमने नीचे बढ़ा लिया है तो ये छोटी वैल्यू आएगी तो थोड़ा सा बड़ा तो ये कितना बना जाएगा अप्रोक्सीमेटली थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री से थोड़ा सा बड़ा किलोमीटर थर्टीन पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा हमारे पास फोर्टीन पॉइंट एट किलोमीटर मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसे एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो आप इसे उतना फाइंड कर पाएंगे बट क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर थी तो आई कैन सॉल्व इट अप्रोक्सीमेटली मुझे पूरा ये यहाँ पर 400 डेके 27 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ओके okay, बच्चों तो इस बात का ध्यान रखना है पेपर में ये छोटी-मोटी कैलकुलेशन आपके जरूर काम आती हैं ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है एन आयरन ब्लॉक ऑफ साइड दिस एंड दिस इज पुश्ड अलोंग द फ्लोर द फोर्स रिक्वायर्ड विल बी मिनिमम व्हेन द सरफेस इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड इज आपको पता है जो फ्रिक्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होती है इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा फेस सरफेस पे रखा गया है कौन सा फेस या कौन सा एरिया कॉन्टैक्ट में तो सभी के केस में जो हमारे पास फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक है वो हमारे पास सेम होगी क्योंकि फ्रिक्शन सभी केसेस में क्या लगेगी सेम लगेगी. ओके बच्चों क्लियर है Moving next question. Question number 86. क्या कहता है? ध्यान से देखिए बेटा. टल कन्वेयर बेल्ट समझिए बात को स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू होरिजोनटल कन्वेयर बेल्ट विद इज एक्सलेटिव एक्सलेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट इज जीरो इसका मतलब है एक्सेलेशन ऑफ मैन इज इक्वल टू एक्सेलेशन ऑफ बेल और वो कितना आ जाएगा वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हॉरिजॉन्टल ओके तो अब पूछा है नेट फोर्स एक्टिंग एफ नेट किसके बराबर होता है बेटा मास इनटू एक्सेलेशन मास कितना है 55 नेट एक्सेलेशन कितना है वन तो ये आ जाएगा 55 न्यूटन ओके वेरी इजी क्वेश्चन कितना आ जाएगा बेटा 55 न्यूटन यहां पर जो है आ जाना चाहिए क्लियर मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन है। है काफी बच्चे इसमें होते हैं। हैं आपको आपको है किस तरीके से आप इसे कर सकते जो ऑफ मास टू हंड्रेड टू थाउजेंड के जी राइजेस विदर्टिकल एक्सलेशन देश टोटल मास ऑफ द क्रू एंड दिस अगर मैं इसको बनाऊं तो हेलीकॉप्टर तो मैं नहीं बना सकता मैं इसको एक लिफ्ट की तरह यहां बना सकता हूँ देखिए ड्राइंग नहीं है इतनी अच्छी कि मैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर बनाऊँ तो ये हमारे पास हेलीकॉप्टर है जिसका मास है टू थाउजेंड के जी और इसके अंदर जो क्रू एंड पैसेंजर है उसको भी हम एक बॉक्स के साथ ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि ज्यादा ड्राइंग में ना जाए हम सिर्फ अपने काम की बात देखें यह क्रू एंड पैसेंजर ये, ये हेलीकॉप्टर है और जो यहां पर एक फैन की हेल्प से उड़ रहा है। यहां पर एक क्या लगा होगा प्रोपेलर फैन लगा होगा कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं बेटा है ना ड्राइंग पे ज़्यादा बेटा देखिए हंसना नहीं है कि यार ये कैसी ड्राइंग बना रहे हैं सर तो ड्राइंग पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए हमारा फोकस होना चाहिए फिजिक्स पे ये फैन हो गया प्रोपेलर इनकी जरूरत हमें पड़ेगी अब ये कह रहा है ये ऊपर जा रहा है विद एक्सेशन 15 मीटर पर सेकेंड अब अगर आप देखे चूज द करेक्ट फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ हेलीकॉप्टर बाय द क्रू एंड पैसेंजर ये जो क्रू एंड पैसेंजर है ये यहां पर नॉर्मल कितनी लगाएंगे नॉर्मल कितनी लगाएंगे बेटा नीचे की तरफ वेट लग रहा है ऊपर की तरफ एक्सेलेशन है तो एन आर माइनस वेट इज इक्वल टू एम इन टू ए तो एन आर कितना होगा बेटा एम जी प्लस ए ये हमें पता है अगर कोई फ्रेम ऊपर की तरफ एक्सेलेट कर रहा हो तो जो हमारे पास जी इफेक्टिव है वो जी प्लस ए हो जाती है बच्चों तो क्या होगा यहाँ फाइव हंड्रेड और ये हो गया टेन प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव वन ट्वेंटी फाइव इंटू जीरो फोर्स लगाएंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हेलीकॉप्टर वन टू फाइव इंटू टेन एस टू पार फोर तो ये हमारे पास करेक्ट हो गया है बच्चो ये हमारे पास करेक्ट हो गया सेकेंड द एक्शन ऑफ द रोटर ये हमारे पास क्या है रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर अब क्या होगा ये कैसे उड़ता है ये जो रोटर है ये एयर के ऊपर किधर फोर्स लगाता है नीचे एयर इसके ऊपर किधर फोर्स लगाती है ऊपर न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन तो जितनी ये रोटर एयर के ऊपर नीचे लगाएगा उतनी ही ये एयर रोटर के ऊपर अपवर्ड लगाएगी तो ये फोर्स कितनी होगी अब मैंने कौन सी फोर्स देखनी है जो इस रोटर के ऊपर लग रही हो तो रोटर के ऊपर क्या लगेगी एयर और इसका वेट पूरे का किधर लगेगा इस पूरे का वेट नीचे की तरफ लगेगा इस पूरे का वेट नीचे और रोटर के ऊपर फोर्स अपवर्ड लग रही है तो फोर्स अप्लाइड बाय एयर फोर्स अप्लाइड बाय एयर ऑन हेलीकॉप्टर वो किसके बराबर होगी बच्चों वो किसके बराबर होगी एफ एयर माइनस टोटल वेट जो भी था इसका इज इक्वल टू टोटल वेट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है बेटा अब जब हम फैन की बात कर रहे हैं रोटर की तो ये पूरा एक सिस्टम की तरह काम करेगा इसके ऊपर एयर ऊपर की तरफ फोर्स नीचे की तरफ वेट तो ये एफ एयर कितना आ जाएगा बच्चों ये आएगा एम प्लस एम जी प्लस आप इसको लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं बच्चों क्या लिख सकते हैं यहां पर टू हंड़... 2500 वेट हो गया ये हो गया 25 ये हो गया 625 इन तो अब अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये हो गया सिक्स तो इंटू टेन टू पर हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर वर्टिकली अपवर्ड यस द एक्शन ऑफ रोटर इन ऑन द सराउंडिंग एयर वर्टिकली डाउनवर्ड यस तो जितनी ए फोर्स एयर हेलीकॉप्टर के ऊपर लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में उतनी ही फोर्स जो रोटर है वो एयर के ऊपर लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑन एयर बाय रोटर ओके बेटा तो इस बात का ध्यान आपको रखना है तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बट फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों, ओके तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या कह रहा है एलिवेटर एक्सलेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलेशन अ टॉस वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड देश आफ्टर हाउ मच टाइम विद्वाइंट फॉल बैक टू हिज तो अगर मैं देखूं जो क्वाइन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड क्वाइन का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट अब अगर आप देखें जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देते हैं क्वाइन को रिलीज कर दिया बेटा क्वाइन अब कहां है हवा में तो इसके ऊपर सिर्फ क्या लगता है वेट तो क्वाइन का एक्सेलरेशन इन एयर क्या होता है जी डाउनवर्ड और लिफ्ट का एक्सेलेशन किधर है टू मीटर पर सेकेंड अपवर्ड तो ये कितना आएगा बच्चों माइनस ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड माइनस साइन इंडिकेट डाउनवर्ड ओके जब हमने क्वाइन को छोड़ दिया बेटा क्वाइन हवा में है तब उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी लगेगी ग्रेविटी लगेगी तो उसका एक्सेलेशन क्या होता है जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लिया बेटा लिफ्ट का एक्सेलेशन अपवर्ड था लिफ्ट का एक्सेलेरेशन अपवर्ड था तो यहां हमने ऊपर की तरफ टू प्लस का ले लिया ये ये माइनस वाला है तो ये माइनस ट्वेल्व हो गया कितने के बाद वो आएगा? Upward, तो क्या होगा अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देख रहा हूं तो जहां से गया वहीं वापिस आना है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों जीरो तो किसके बराबर होगा रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम टा रेलेटिव एक्सलेशन इन टू टी स्क् टू जीरो बनेगा ट्वेंटी टी माइनस सिक्स टी तो टी कितना आ जाएगा बच्चों? ट्वेंटी माइनस सिक्स टी इक्वल टू जीरो एक तो टी जीरो पे वहां था एक टी इक्वल टू टेन बाय थ्री सेकेंड पे वापिस आएगा टी जीरो पे हमने छोड़ा था वापिस कितने सेकेंड पे आएगा टेन बाय थ्री सेकेंड पे वापिस आ जाएगा ओके okay बच्चों क्लियर है समझ में आई बात क्वेश्चन नंबर एट्टी नाइन क्वेश्चन नंबर एटी नाइन बच्चों पर जी स्टैंड ऑन अ वेइंग स्केल ऑन अ लिफ्ट इफ द लिफ्ट इज असेंडिंग अपवर्ड असेंडिंग अपवर्ड मतलब मूव कर रही है ऊपर की तरफ विद यूनिफॉर्म एक्सरेशन यूनिफॉर्म एक्सलेशन बच्चों तो क्या होगा वट वुड बी द रीडिंग ऑफ अरे हमें पता ही है एपरेंट वेट बेटा कौन सा कंसेप्ट है यहां एपरेंट वेट किसके बराबर होता है जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो क्या होता है g प्लस ए तो कितना होगा 50 10 प्लस नाइन ये हो जाएगा 950 फिफ्टी न्यूटन अब हमें देखिए किसमें दिया है यहां केजी में तो आप इसको क्या लिख सकते हो 95 किलोग्राम वेट यहां जो रीडिंग है वो किसमें हो सकती है किलोग्राम में तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि एप्रेंट वेट कितना हो गया है 95 किलोग्राम वेट तो हमारा आंसर क्या आएगा 95 ओके बच्चों न्यूटन में देखेंगे तो 950 अगर किलोग्राम में देखेंगे तो 95 फाइव क्वेश्चन नंबर नाइन्टी देखिए इतने टफ क्वेश्चन फ्रिक्शन के करने के बाद ये बुक का ऑर्डर मुझे पसंद नहीं आया देखिए यहां पर फ्रिक्शन लेस दे रखा है ऑन अ फ्रिक्शन लेस इन क्लाइंट हंड्रेड न्यूटन ब्लॉक ए का मास कितना है बच्चों हंड्रेड न्यूटन फ्रिक्शन लेस के ऊपर पड़ा है तो नीचे की तरफ कंपोनेंट क्या होता है हंड्रेड साइन थर्टी तो वो कितना हो जाएगा बच्चों फिफ्टी अटैच टू ए ओवर फ्रिक्शन लेस पुली कनेक्टेड टू दिस ये वेट कितना होगा भाई अगर ये रेस्ट पे है तो ये टेंशन किसके बराबर हो गई 100 साइन 30 विच इज इक्वल टू फिफ्टी न्यूटन तो यहां पर भी ये टेंशन ऐसे ही पास होगी बट आइडियल स्ट्रिंग है तो यहां पर टेंशन किसके बराबर है वेट के तो वेट किसके बराबर आ गया सिंपली फिफ्टी न्यूटन खत्म हो गया बहुत ही आसान क्वेश्चन फ्रिक्शन के इतने टफ क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन आ रहे हैं ये फ्रिक्शन से पहले आने चाहिए थे क्योंकि उससे पहले हम एन एल एम पढ़ते हैं उसके बाद हम फ्रिक्शन को स्टडी करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है फोर्स ये, ये लगा दी गई है टेन के जी पे द टेंशन इन द स्ट्रिंग अब अगर आप देखें तो ये दोनों ब्लॉक इस स्ट्रिंग के साथ इस फोर्स के साथ चलेंगे तो कितना एक्सेलेशन होगा बेटा अगर मैं इसको एक सिस्टम मान लू तो फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास तो फोर्स है 600 न्यूटन टोटल मास है 10 प्लस ट्वेंटी तो एक्सेलेशन कितना आ गया बेटा एक्सेलेशन आ गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब हमें टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग में तो टेंशन आप यहां पर ड्रॉ कर लीजिए बेटा अब आप एफ ड्रॉ करिए किसकी ड्रॉ करिए दोनों में से किसी की भी आप एफबीडी ड्रॉ कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर सेम आएगा 20 के जी इसके ऊपर होरिजोनटल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या लग रही है टेंशन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेशन क्या है तो टी किसके बराबर होगा दिस इज 20 इंटू ट्वेंटी फोर न्यूटन बेटा ओके वेरी सिंपल इजी टू वॉच एंड इजी टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 92 अब इसी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें बेटा कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है इसमें हमने फोर्स किधर लगा दी इसमें हमने फोर्स किधर लगा दी बच्चों ये वाली फोर्स यहां से हटा के हमने किस तरफ लगा दी है इधर लगा दी सिक्स हंड्रेड अब एक्सेलेशन इधर हो जाएगा बच्चों कितना एक्सेलेशन तो वही होगा क्योंकि फोर्स वही है टोटल मास वही है तो ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टेंशन अब आप किसकी एबी ड्रॉ कर सकते हैं टेन के की इस टेन के में होरिजोनटल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है बेटा तो वो किसके बराबर होगी मास इंटू एक्सलेशन टेन इंटू ट्वेंटी टू हंड्रेड न्यूट्रन तो आंसर क्या आ जाएगा टू हंड्रेड न्यूट्रन ओके इसके ऊपर बेस्ड काफी सारी वैरायटी आती है हम क्लास में काफी सारे क्वेश्चन करते हैं बच्चों तो मैंने इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाकर दी हुई है इसमें काफी सारी वेरिएशन आती हैं दो ब्लॉक साथ में पड़े हैं आप फोर्स लगा के उन्हें पुश कर रहे हैं तीन ब्लॉक पड़े हैं तो क्या होगा एक यूनिफॉर्म रोड ऑफ रोप ऑफ मास पड़ी है उसके ऊपर फोर्स लग रही है तो क्या होगा इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाकर भी आपको और उस शॉर्ट ट्रिक में सिर्फ एक ट्रिक नहीं बताई काफी सारी एग्जाम्पल भी आपको कराई गई हैं तो आप चाहें तो उस शॉर्ट ट्रिक को देख सकते हैं उसका लिंक भी ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा आप वहां पर क्लिक करके भी उस शॉर्ट ट्रिक को देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 93 देखिए जरा क्या कहता है टू टू बच्चों हमारे पास क्या कहता है ध्यान से देखिए टू मासस फाइव के जी थ्री के जी आर सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ मासलेस इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर होल सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड विद एन दिस द टेंशन ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ वैसे तो यहाँ रिजिड दिखा रखा है बट क्वेश्चन में कह दिया है तो हम मान लेते हैं ऊपर की तरफ टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा अब हमें एफ बी डी देखनी है अगर मैं इस ए ब्लॉक की एफ बी डी देखूं तो ऊपर की तरफ टेंशन टी टू नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा इसका वेट लगेगा थर्टी न्यूटन थ्री जी और एक्सेलरेशन कितना कहा गया है ऊपर की तरफ तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा इक्वेशन बनेगी टी टू माइनस वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन टी टू माइनस थर्टी इज इक्वल टू ये कितना है हमारे पास वेट थ्री के जी इन टू टू सिक्स कितना बच्चों तो यहां पर भी है यहां पर भी है टी वन भी निकालना पड़ेगा अब हम बी ब्लॉक के एफबी बनाएं. डी बनाएंगे बी ब्लॉक के एफबीडी बनाएंगे बेटा टी वन ऊपर की तरफ नीचे की तरफ इसका वेट कितना फिफ्टी न्यूटन और नीचे की तरफ टेंशन टी टू क्योंकि ये टी टू इस तरीके से लगती है बेटा पुलिंग फोर्स पेयर में लगती है तो टी टू तो ये नीचे की तरफ टी टू तो एक्शन ऊपर क्या बनेगी जिस तरफ एक्सलेशन उस तरफ की फोर्स माइनस ऑपोजिट फोर्सेस टी वन माइनस फिफ्टी माइनस टी टू इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन मास कितना है फाइव इंटू एक्सलेशन कितना है टू तो ये आएगा माइनस फिफ्टी माइनस थर्टी सिक्स इक्वल टू टेन एट कितना आ जाएगा बच्चों उधर ले जाइए टेन प्लस फिफ्टी प्लस थर्टी सिक्स आप लिख सकते हैं नाइनटी सिक्स न्यूटन कितना आएगा बच्चों नाइनटी सिक्स ओके दूसरा तरीका ये तो हमारे पास डिटेल मेथड रहा है एफबीडी से अब इसका शॉर्ट मेथड क्या है एक लाइन में कैसे कर सकते थे एक लाइन में कैसे सॉल्व कर सकते थे बेटा आपको पता है जो टेंशन होती है जब ये मास वर्टिकली हैंग्ड होते हैं तो टेंशन होती है वेट बिलो इट इसके नीचे कितना वेट है एट जी और ये जो जी होता है जी इफेक्टिव है अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा जी प्लस ए में अगर ये सिस्टम नीचे आ रहा होता तो ये किस किसमें कन्वर्ट हो जाता जी माइनस ए में तो ये कितना हो जाएगा एट इंटू ट्वेल्व नाइनटी सिक्स न्यूटन यहां पर आप टेंशन कितनी देख सकते थे टी टू इसके नीचे वेट कितना है थ्री और ये क्या हो जाएगा जी प्लस से तो ये कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स न्यूटन तो आप एक ही लाइन में आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आपको ये पूरा एफ बी डी बनाने की जरूरत नहीं है बट मेरा फर्ज था कि आपको मैं इस एफ बी डी से बताऊं क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड अप्रोच रहती है शॉर्ट ट्रिक कुछ कुछ केसेस में या कुछ लिमिटेड केसेस में ही अप्लाई होती है जैसे अगर ये मासज वर्टिकल हो तभी अप्लाई होगा ओके ंग टर्ड क्वेश्चन नंबर नाइनटी फोर बेटा फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लाइक किया है और बाय चांस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी जरूर करें ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोज देखने के लिए क्वेश्चन नंबर नाइनटी फोर टू ब्लॉक्स ईच ऑफ मास ये भी फ्रिक्शनलेस लेस प्लेन है क्या होगा अब अगर आप ध्यान से देखें मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कॉपी कर लेता हूं ये थोड़ा ज्यादा ही छोटा है यहां पर देखिए बच्चों क्या होगा अब इधर फोर्स कितनी होगी इधर फोर्स होगी एम जी साइन सिक्सटी होता है रूट थ्री बाय टू इधर फोर्स कितनी होगी दोनों मास बराबर है साइन थर्टी होता है वन बाय टू कौन सा बड़ा है बेटा रूट थ्री बाय टू बड़ा है या वन बाय टू बड़ा है रूट थ्री बाय टू बड़ा है ये वाली फोर्स क्या है लार्ज तो ये इस स्ट्रिंग को इस सिस्टम को किधर खींच पाएगा बेटा क्योंकि ये लार्ज फोर्स है तो यह सिस्टम किस तरफ मूव करेगा इस तरफ यह सिस्टम किस तरफ मूव करेगा इधर मूव करेगा सिंपल सा क्वेश्चन है तो क्या कहता है ब्लॉक मूव डाउन द प्लेन यस ब्लॉक बी मूव डाउन द प्लेन नो इट मूव्स अप प्लेन बोथ रिमेन एटरेस्ट नो बोथ मूव डाउन द प्लेन गलत तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों ए बहुत ही सिंपल सीधा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर नाइन फाइव दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन मूविंग पुली, यानी कि कंस्ट्रेंट ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को गौर से देखेंगे बच्चों अब अगर आप देखें इसको तो पूछा है एक्सेलेशन ऑफ वन के मान लेते हैं ये एक्सेलेशन कितना है एक्सेलेशन वन के जी इज ए तो इसका एक्सेलेशन मान लेते हैं ए टू ए वन ए टू टेंशन यहां टेंशन टी मान लेते हैं क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग होती है बेटा तो सब जगह टेंशन क्या रहेगी सेम जब तक ये स्ट्रिंग सेम है टेंशन क्या रहेगी सेम यहां क्या हो जाएगी टू टी यहां क्या हो जाएगी टू टी अगर ये ब्लॉक ए है तो इसकी ए क्या बनाएंगे बच्चों ए ब्लॉक की ऊपर टी ऊपर की तरफ एक्सेलेशन ए वन नीचे की तरफ वेट कितना लगेगा एम जी वन इंटू टेन टेन इक्वेशन क्या बनेगी क्योंकि एक्सेलेशन अपवर्ड है तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा एक्सेलेशन की डायरेक्शन में फोर्स माइनस ओपोजिट इक्वल टू वन मास इंटू एक्सेल तो ये बन गया टी माइनस टेन इक्वल टू ए वन दिस इज इक्वेशन नंबर वन सेकेंड अगर आप इस बी ब्लॉक को देखें तो बी ब्लॉक के ऊपर बेटा ऊपर की तरफ फोर्स टेंशन कितनी है टू टी नीचे की तरफ वेट कितना है बच्चों फोर जी यानी कि फोर्टी एक्सेलेशन कितना है एट तो ये किसके बराबर होगा बच्चों फोर्टी क्योंकि अब एक्सेलेशन डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स माइनस टू टी इक्वल टू फोर एट टू से डिवाइड कर दीजिए बेटा ट्वेंटी माइनस टी इक्वल टू टू एट दिस इज इक्वेशन नंबर टू दिस इज इक्वेशन नंबर वन कितनी इक्वेशंस हैं यहां पर ध्यान से देखिए बेटा सॉरी बच्चों ये बीच में थोड़ा सा फ्लिक कर गई थी स्क्रीन तो यहां पर कितनी इक्वेशंस हैं? कितनी हैं टू बट वेरिएबल्स वेरिएबल्स एक दो तीन तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए बेटा दो इक्वेशन तीन वेरिएबल मैं अक्सर कहता हूं बड़ी ना इंसाफी है भाई जब तक तीन इक्वेशन नहीं आएंगी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व अब हमें लगाना पड़ेगा कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट आप दो तरीके से लगा सकते हैं ध्यान से देखिए मैंने थोड़ी सी सफाई यहां की है ये टू टी ये t एक्सेलेशन ए वन हमने ऊपर माना था इसका एक्सेलेशन ए टू हमने नीचे माना ये हमने किया है अगर मान लो ये ऊपर होता ये नीचे होता तो अपने आप जो फाइनल आंसर आएंगे उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा यू नीड नॉट टू वरी कि इसको ऊपर ही क्यों लिया सर इसको नीचे ही क्यों लिया कोई टेंशन नहीं आप किधर भी मान लो इसको नीचे मान लो इसको ऊपर मान लो अपने आप फाइनल आंसर में सेट आ जाएगा बस आपको एसबीडी लगाते समय कोई गलती नहीं करनी है एफबीडी के लिए एक्सेलेशन की डायरेक्शन की फोर्स माइनस ऑपोजिट फोर्स लिखना है ओके अब थर्ड इक्वेशन आती है कंस्ट्रेंट से कंस्ट्रेंट इक्वेशन आप दो तरीके से लिखते हैं कंस्ट्रेंट जो इक्वेशन है कंस्ट्रेंट इक्वेशन आप दो तरीके से लिखते हैं कैसे पहला है वर्चुअल वर्क मेथड टी डॉट ए इक्वल टू जीरो अब अगर आप इस बी ब्लॉक को देखें बी ब्लॉक को ये बी है टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है एक्सेलेशन नीचे है तो इन दोनों में टू टी ए टू कॉस वन एटी प्लीज ध्यान देंगे टी डॉट ए ये क्या है डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या आता है ए बी कॉस थेटा तो टेंशन कितनी है टू टी एक्सेलेशन कितना है ए टू डायरेक्शन दोनों में 180 डिग्री एंगल है तो कॉस 180 प्लस दूसरे ब्लॉक पे क्या है टेंशन ऊपर एक्सेलेशन भी ऊपर एंगल जीरो, टेंशन एवन, एंगल जीरो. तो ये क्या बनेगा बच्चों की वैल्यू माइनस वन टू टी ए टू प्लस टी ए वन कॉस जीरो की वैल्यू वन ई कॉमन आके कट जाएगा तो वन किसके बराबर बचेगा टू एट दिस इज थर्ड इक्वेशन दूसरा तरीका क्या है दूसरा मेथड क्या है कंस्ट्रेंट का बेटा वो है मूविंग पुली। मूविंग पुली कंस्टेंट क्या कहता है हमें कि अगर आप इस स्ट्रिंग को ध्यान से देखेंेशन तो किसके बराबर होता है ये होता है दोनों एंड का एक्सेलेशन का सम डिवाइड बाय टू तो पुली का एक्सेलेशन क्या है ए टू तो ये कितना था ए वन बाय टू तो ये किसके बराबर आएगा ए वन इज इक्वल टू टू ए टू तो आप सीधा सीधा भी लिख सकते थे पुलिंग कंस्टेंट से जो आपको कंफर्टेबल हो आप उससे कंस्टेंट इक्वेशन लिख सकते हैं अब आपको इसे पुट करना है हमें क्या फाइंड करना था ए वन तो ए टू को रिप्लेस कर देंगे ए टू को क्या लिखेंगे ए वन बाय टू कौन सी इक्वेशन में सेकेंड में कौन सी इक्वेशन में सेकेंड में पुट इन टू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए ट्वेंटी माइनस टी इक्वल टू टू ए टू की जगह ए वन बाय टू तो ये कट जाएगा ट्वेंटी माइनस टी इक्वल टू ए वन और हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसे रीराइट करिए बेटा रीराइट रीराइट इक्वेशन वन वो क्या थी t माइनस टेन इक्वल टू ए वन अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या होगा बच्चों ट्वेंटी माइनस टी प्लस टी माइनस टेन ये कट गया तो यहां बचा टेन वन सॉरी टू वन तो वन कितना आएगा फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसे आप जी बाय टू भी कह सकते हैं आप इसे क्या कह सकते हैं जी बाय टू तो आंसर क्या आएगा जी बाय टू अपवर्ड या डाउनवर्ड अपवर्ड जी बाय टू ओके बच्चों तो ये था क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा और आपने वीडियो भी लाइक कर दी होगी क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड एट द एंड ऑफ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या कह रहा है कि पुली है इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग पास कर रही है बच्चों और इस स्ट्रिंग के एक एंड पे है ट्वेल्व के जी और दूसरे एंड पे है एट के जी तो इसका एक्सेलेशन आपको बताना है तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इसका फॉर्मूला याद रखते हैं क्या होता है ट्वेल्व माइनस एट ट्वेल्व प्लस एट इंटू जी एम वन माइनस एम टू डि यह होगा फोर बाई ट्वेंटी इंटू जी तो आंसर तो आएगा जी बाय फाइव ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है नीट में दो तीन बार पूछा गया है तो ये अक्सर बच्चों को क्लास में याद भी कराया जाता है और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं बेटा मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं देखो ये आपके पास एक रस्सी है आप खुद से सोचो इधर एक बंदा 120 से खींच रहा है और इधर एक बंदा 80 से खींच रहा है तो यह रस्सी किधर मूव करेगी डेफिनेटली इधर मूव करेगी कितनी नेट फोर्स है अगर यह भी 120 से खींच रहा होता तो क्या रस्सी मूव करती नहीं तो नेट फोर्स क्या हो जाती जीरो तो अब इस रस्सी को देखना आपको एक एंड को एक 120 से दूसरे को अस्सी से तो नेट फोर्स क्या बची नेट फोर्स क्या बची रस्सी के लो वन ट्वेंटी माइनस एट्टी चालीस और इस नेट फोर्स की वजह से ब्लॉक कौन कौन से मूव करेंगे भाई दोनों मूव करेंगे तो 8 प्लस ट्वेल्व क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसको लिखा जा सकता है जी बाय सिंपली आपको देखना है नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग को खींचने वाली फोर्स कौन सी है 120 इधर खींच रही है 80 इधर खींच रही है तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो ये नेट फोर्स बचेगी हमारे पास फोर्टी तो इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हैं और आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन क्या कहता है ध्यान से देखिए अ मंकी ऑफ मास, मंकी ऑफ मास फोर्टी के जी क्लाइंब ऑन अ मासलेस रोप विच कैन विद स्टैंड मैक्सिमम टेंशन इन विच ऑफ द केस रोप विल ड्रॉ ब्रेक अगर यह मंकी ऊपर की तरफ जाएगा तो टेंशन क्या हो जाएगी बेटा एम जी प्लस ए अगर यह मैक्सिमम टेंशन है तो मंकी कितने मैक्सिमम एक्सेलेशन के साथ क्लाइंब कर सकता है यह 500 वेट 40 ये है 10 और यह हो गया ए मैक्स काट दीजिए यह है 12.5 ये यह है 10 ये है ए मैक्स बेटा तो ए मैक्स कितना आएगा बच्चों 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा ए मैक्स कितना आएगा तो ऊपर मैक्सिमम कितने एक्सेलेशन से क्लाइंब कर सकता है 2.5. अगर ये इससे ज्यादा एक्सेलेशन से, से क्लाइंब करेगा तो टेंशन से सौ से जाएगी और स्ट्रिंग टूट जाएगी और मंकी बेचारा गिर जाएगा तो गिरने नहीं देना है मंकी क्लाइंब अप विद एक्सेलेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां कुछ गड़बड़ हुई है हाँ रोप ब्रेक ब्रेक कब होगी जब 2.5 से ज्यादा एक्सलेशन से करेगा तो हमने पूछा रोप कब ब्रेक होगी यार बड़ा निर्दयी है ये मार देगा मंकी को बेचारे को है ना रोप को तोड़ के ही मानेगा तो अगर 2.5 से ज्यादा एक्सेलेशन है अपवर्ड तो ये मंकी जो क्लाइंब है सॉरी नहीं कर पाएगा और ये स्ट्रिंग टूट जाएगी मंकी क्लाइंब डाउन डाउन के चक्कर में केस में तो कुछ नहीं होता यहां माइनस हो जाएगा तो टेंशन हमेशा वेट से कम होगी तो कोई टेंशन नहीं है कितने भी एक्सेलेशन से डाउन आ सकता है क्लाइंब अप विद यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सेलेशन जीरो हो जाएगा तो टेंशन वेट के बराबर होगी मंकी फॉल डाउन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता टेंशन जीरो हो जाएगी अगर फ्रीली फॉल होगा तो पहले ही केस में रस्सी टूट जाएगी बेटा तो आंसर ए आएगा बुक इज लाइंग ऑन द टेबल व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्शन ऑफ द बुक ऑन द टेबल एंड द रिएक्शन ऑफ द टेबल ऑन द बुक ध्यान से देखिए बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में आने चाहिए थे जो बुक सेटर है सॉरी क्वेश्चन सेटर है जिसने भी इसको अलाइन किया है क्वेश्चन को अच्छे पैटर्न में नहीं किया है जो बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है बेटा सिर्फ पड़ी है तो फ्रिक्शन नहीं होगी फोर्स बुक टेबल के ऊपर किधर फोर्स लगाएगी नीचे लगाएगी और टेबल बुक के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा ऊपर लगाएगा ये है फोर्स बाय टेबल ऑन बुक ये है जो इसके रिएक्शन होगी ये वेट है बेटा तो रिएक्शन किधर होगी अगर आप देखें तो अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं, तो ग्राउंड पे बुक किधर फोर्स लगाएगी एनआर जो वेट के बराबर होगी और ग्राउंड बुक पे किधर फोर्स लगाएगा बेटा ग्राउंड किधर फोर्स लगाएगा ध्यान से देखिए ग्राउंड किधर लगाएगा अपवर्ड तो दोनों में क्या एंगल है 180 180 डिग्री डिग्री क्या आंसर आएगा बेटा बुक बुक टेबल के ऊपर नीचे की तरफ और जो सरफेस है टेबल है वो बुक के ऊपर अपवर्ड तो दोनों में एंगल 180 डिग्री ओके बच्चों वेट नहीं है बुक जो है वो क्या लगाती है एना फ्रिक्शन नहीं होगी उसमें नाइनटी नाइन नंबर क्वेश्चन आर कनेक्टेड बाई वेटलेस स्ट्रिंग ओवर फ्रिक्शन एक्सेलेन ऑफ दिस्टम यहां पर भी हमें इस सरफेस पे कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया तो हमें क्या करना है बेटा इसे स्मूथ मान के ही सॉल्व करना है अब अगर हम देखें तो इस तरफ फोर्स क्या होगी फोर्टी इंटू टेन साइन थर्टी वन बाय टू इस तरफ फोर्स क्या होगी थर्टी इंटू टेन इंटू साइन थर्टी न्यूटन यहाँ क्या आ गया टू हंड्रेड न्यूटन तो हमने जैसे आपको लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में बताया आपको किसके अलॉन्ग देखना होता है स्ट्रिंग के लौंग. आपको किसके देखना होता है स्ट्रिंग इस एंड को खींचा जा रहा है 200 से इस एंड को खींचा जा रहा है 150 से तो ये स्ट्रिंग किधर मूव करेगी बेटा इस तरफ बड़े दोनों साथ में चलेंगे तो नेट फोर्स क्या बचेगी 200 हंड्रेड माइनस वन बट कितना मास साथ में चलेगा 40 प्लस थर्टी तो ये आएगा 50 बाय 70 ये कट जाएगा 5/7 एप्रोक्सीमेटली 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर आप g को यहां 9.8 ले लेंगे मैंने 10 लिया है तो ये एग्जैक्ट 0.7 आ जाएगा ओके बच्चों बट ऑप्शन के हिसाब से आप इसे मार्क कर सकते हैं कोई ज्यादा चेंजेस की जरूरत हमें नहीं है तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और आपने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा अगर आप भूल गए हैं क्वेश्चन देखते देखते तो अब कर दीजिए अब भी कुछ ज्यादा देर नहीं हुई है और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए बेटा फिर भी अगर आपका सोल्यूशन देखने के बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर हंड्रेड बच्चों लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो मैन सॉरी मास ऑफ वन के जी सस्पेंडेड बाई मीन ऑफ अ थ्रेड ये हमारे पास एक थ्रेड है इसके साथ एक वन मास सस्पेंड किया गया इफ़ द लिफ्टेड अप विद एन अगर ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है तो टेंशन क्या होती है बच्चों आप एफ बी डी से भी देख सकते हैं टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए और आपको डायरेक्टली भी पता है मैंने पहले भी ऐसे दो तीन यहां पर इसी वीडियो में दो तीन क्वेश्चन थे आपको बताया था इफ सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड एंड हमें वर्टिकल सस्पेंडेड गिवन है तो टेंशन हो जाएगी सीधा सीधा एम जी प्लस ओके? दूसरे केस में कहता है लोड विद एन एक्सेलेशन अगर इसे नीचे की तरफ लेके आया जा रहा है तब टेंशन कितनी होगी बेटा अगर हम इसको T1 लिख दें तो नीचे की तरफ वेट है तो इक्वेशन क्या बनेगी एक्सेलेशन की डायरेक्शन में फोर्स माइनस टी टू एम तो टी टू किसके बराबर आएगा एम जी माइनस से तो रेशो क्या होगी बच्चों रेशो ये आ गई जी प्लस से क्योंकि एम से एम तो कट जाएगा जी माइनस जी है नाइन पॉइंट एट ये है फोर पॉइंट नाइन यह है नाइन पॉइंट एट यह है फोर पॉइंट नाइन अगर आप देखें तो ऊपर बन जाएगा ये थ्री टाइम्स फोर पॉइंट नाइन क्यों क्योंकि नाइन पॉइंट एट क्या होता है टू टाइम्स फोर पॉइंट नाइन तो फोर पॉइंट नाइन कॉमन ले लेंगे नीचे बच जाएगा 4.9 बच्चों ये कट जाएगा तो आंसर क्या बचेगा थ्री रेशो वन तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है बच्चों इस क्वेश्चन का थ्री रेशो okay? तो ये थी हमारे पास बेटा डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 100 फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एम टी जी एट योर फिंगर टिप्स ऑफ चैप्टर लॉज ऑफ मोशन उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन समझ में आए होंगे और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा तो इस वीडियो में इतना ही है बच्चों जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग रिमेंबर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीप स्टडिंग माइल्स टू गो